शिवानी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। आपने एक बहुत अच्छा ब्रेक आपको मिला है, गोविंदा के साथ आप फिल्म करने जा रही हैं। फिल्म कब रिलीज होनी है, क्या वहां तक पहुंचने का सफ़र कैसा रहा, उसके बारे में एक शुरुआती दौर का बताएं पहले। फिल्म हम लोगों की पहले 11th मई को डिसाइडेड थी और अभी 25th मई को हम लोगों की फिल्म रिलीज़ हो रही है। जहाँ तक सफ़र का है, आई थिंक मुझे 6 साल हो चुके हैं और 6 साल के अंदर मैंने साउथ में थोड़ा काम किया और पंजाब में 3 वीडियो एल्बम्स रिलीज़ हुई मेरी, जो सक्सेसफुली PTP पंजाबी और PTC पंजाबी, जो भी अलग अलग चैनल हैं। और फिर फाइनली बॉम्बे में मैं अभिषेक डोगरा, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनसे मिली। और ये फिल्म एक्चुअली पहले मुझे एज अ लीड हीरोइन के लिए ऑफ़र हुई थी, तो मुझे थोड़े डाउट्स आ रहे थे कि सडनली ऐसे रातों रात कैसे हो गया 6 साल में। तो बट एनी हाउ, बिकॉज ऑफ दोज कन्फ्यूजन्स, रोल फाइनली किसी और को मिला है। तो अब इसमें एक कैरेक्टर जो, क्योंकि इसमें गोविंदा सलीम बने हैं फिल्म में, थिएटर आर्टिस्ट, तो उनकी अनारकली की उस समय तलाश हो रही थी, तो उन्होंने मुझे देखा तो उनको लगा मैं परफेक्ट हूँ। उनको ऐसा नहीं लगा कि एक बार फिर करिश्मा उनके सामने आ गई? नहीं, बिकॉज दिल्ली में हाफ शूट ऑलरेडी हो चुका था और हाफ शूटिंग बॉम्बे में बची हुई थी। उस टाइम में बॉम्बे में जाके बस अभी सेटल हुई थी परमानेंटली। ठीक है, तो अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये आपका क्या सपना था फिल्म लाइन में जाने का, या रुझान कैसे इस साइड डेवलप हुआ, या पहले का करियर क्या था आपका? उससे पहले मेरी पढ़ाई लिखाई अलवर में ही हुई है। उसके बाद फिर मैं यहाँ से जब हम लोग निकले तो अमृतसर और फिर हैदराबाद, जगह जगह पोस्टिंग्स की वजह से, फिर हैदराबाद ऐसी जगह थी जहाँ पे मिक्स कल्चर है, तेलुगु हिंदी उर्दू का काफ़ी वहाँ पे वो रहता है। तो वहाँ पे जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया तो वहाँ मुझे लगा कि यहाँ से कुछ सीखा जा सकता है। तो थिएटर 2 साल करने के बाद जगह जगह से मुझे ऑफ़र आना स्टार्ट हुए, तो उस टाइम मुझे लगा कि एक्टिंग की जा सकती है। फिर मेरा रुझान हुआ बॉम्बे की तरफ और वैसे करके धीरे धीरे ये सब स्टार्ट हुआ। तो ये ब्रेक कैसे मिला आपको एकदम से फिल्म का? ये एक्चुअली मैं बोलूँगी कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है, क्योंकि इफ़ आई एम नॉट इन बॉम्बे बट हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू कितने सारे लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। तो एक काम किया तो वर्ड ऑफ माउथ से बात दूर दूर पहुंचती है कि ये है, ये एक्टर है। तो आई थिंक ये वर्ड ऑफ माउथ एंड सोशल मीडिया ही है जिसने मुझे बॉम्बे में लोगों से वेल कनेक्टेड कराया। फिर बस ये होता है कि आके मीटिंग करिए और जहाँ जिसको जो चीज़ क्लिक होती है वैसे काम शुरू हो जाता है। शिवानी, बहुत सारी बातें आज के दौर में अगर हम बात करें, जिस तरीके से महिलाओं पे या बच्चियों पे या इस तरीके के बहुत सारे मामले सामने आते हैं, और आप फिल्म लाइन में गई हैं, तो वहाँ का सफ़र, वहाँ का एटमोसफियर आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा है माहौल, खासतौर से गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए? बहुत सेफ़ है, मैंने एज सच कोई मुश्किल नहीं देखी। और वैसे भी मैं जनरलाइज़ नहीं करना चाहूँगी किसी चीज़ को, बिकॉज़ हर आदमी की अपनी अपनी जर्नी है। बट अगर देखा जाए, आर्टिस्ट जो बॉम्बे में मिलके काम करते हैं, माहौल थोड़ा न्यूट्रल और काफ़ी सेफ़ है, नहीं तो काम होना बहुत मुश्किल लगा। इनफैक्ट मैं बॉम्बे की दुनिया से बाहर इस चीज़ में ज़्यादा डिफ़िकल्टी देख रही हूँ कि लड़कियों का रोज़ आना जाना, घूमना, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या जो छोटे शहर हैं जहाँ पे एजुकेशन की बहुत कमी है, अवेयरनेस की कमी है, वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। जी, ऐसा नहीं लगता कि मीडिया में या इन सब चीज़ों में हाइप ज़्यादा दी जाती है और ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? नहीं, महिलाओं की सुरक्षा में तो हम अपने इतिहास से पढ़ते आ रहे हैं, गायें, पानी, वुमेन, औरतें, ये 3 चीज़ें हमेशा फ़ाइट का इश्यूज रही हैं। बट है, मीडिया हाइप करती है वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज़ TRP ऑब्वियसली देयर इज़ 1 फैक्टर टू इट। बट औरतों की सुरक्षा की ज़रूरत है हमें, मुझे फील होता है कि उसकी बहुत कमी है। जी, चलिए, एक आर्टिस्ट के तौर पे हम आपसे एक और बात करना चाहेंगे कि एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो शुरुआती दौर में सीरियल करता है, थिएटर करता है, फिर उसका आखिर सपना होता है कि फिल्म लाइन उसको मिले, बड़ा पर्दा मिले, और आप सीधा जंप मार गई बड़े पर्दे पे। तो इस में जो वो आर्टिस्ट हैं उनको कैसा फील होता होगा, जो बेचारे 20-20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और शिवानी आती है और सीधे बड़े पर्दे पे धमाका कर जाती है? मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी ना हर आदमी की ज़िंदगी के अपने अपने गोल्स हैं। मुझे मालूम था कि मुझे फेम नहीं चाहिए सडनली, मुझे पता था मुझे पैसे नहीं चाहिए, सो आई वॉज़ वेरी क्लियर वॉट आई वॉन्टेड, क्योंकि मैं 365 डेज काम नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा काम किया और बाकी टाइम रिलैक्स किया, बिकॉज फॉर मी फैमिली इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक फोकस एंड मोटिवेशन, डेडिकेशन, ये 3 चीज़ें थी जिन्होंने मुझे वो दिलाया जो कि मैं चाहती थी फिल्मों में काम करना। तो फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग में अभी मैं जब बॉम्बे अभी वापस जाने वाली हूँ, तो देर आर लॉट ऑफ मीटिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर इन पाइपलाइन, एंड मेरे कुछ अपने फेवरेट्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। तो आई थिंक कुछ ना कुछ इस साल में मैं और बड़ा
कर पाऊंगी। चलिए, फेवरेट में अगर हम बात करें, किस आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, फीमेल आर्टिस्ट की अगर बात करूँ? ये बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। फीमेल में मैं बोलूँगी आई थिंक विद्या बालन मेरी बहुत फेवरेट हैं व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। रानी मुखर्जी हुआ करती थी, माधुरी हैं, आजकल मुझे आलिया भट्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज गर्ल नेक्स्ट डोर वाली फीलिंग आती है, बहुत नेचुरल एक्टिंग है, तो आलिया भट्ट। अभी मौजूदा जो आपकी फिल्म आ रही है उसका नाम क्या है और कब रिलीज हो रही है जो अभी आप बता रहे हैं? हाँ जी, हमारी जो फिल्म है ये फ्राइडे है और 25th। और कास्टिंग क्या है इसमें? वरुण शर्मा है फुकरे के, जो काफ़ी फेमस चूचा कैरेक्टर जो है, ये दोनों हैं। दिगांगना सिंह इनकी एक्ट्रेस है, मुझे नहीं मालूम कितने लोग जानते हैं, बट बिग बॉस में शी वॉज कंटेस्टेंट। और उसके अलावा संजय मिश्रा जी सपोर्टिंग कास्ट में है। तो आपका उसमें पार्ट क्या है? मैं उसमें गोविंदा की अनारकली बनी हूँ और फिल्म में वो सलीम है और मैं उनकी अनारकली हूँ, तो ये मेरा रोल है उसमें। अभी और कुछ खास बात, आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म को लेकर, कोई ऐसे क्षण होते हैं जो यादगार बन जाते हैं शूटिंग के दौरान? बड़ी एंटरटेन भी होते हैं, मस्ती भी होती है, एंजॉय भी करते हैं लोग शूटिंग के दौरान, या कुछ अच्छा या बुरा ऐसा कोई तजुर्बा? नहीं, तो क्योंकि गोविंदा मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं मस्ती वाले, तो मुझे याद है कि जब मैं शूटिंग पे जाती थी तो मैं हेडफोन में गोविंदा के गाने लगा के कि उनसे मिलना है। गोविंदा के साथ खुद एक्टिंग करना बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज वो बहुत ओल्ड टेक्निक से काम करते हैं, बिकॉज काफ़ी पुराने एक्टर हैं। मैं थिएटर से सीखी हुई थी तो मुझे लगा कि शायद हमें सीन को बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं वहाँ पहुँची, हमने उनको बताया, मैंने उनसे बोला कि सर मैं चाहती हूँ कि इस सीन को ऐसे किया जाए, तो बहुत क्विकली उन्होंने किया। और बहुत सारी जगह पर ऐसा था कि कहीं वो करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, कहीं ये टच हो गया, तो वो बहुत हंसी आती थी, बिकॉज ही यूज़ टू से सॉरी सॉरी सॉरी। तो उनका बेसिकली काम करने का तरीका और हमारा थोड़ा अलग होने की वजह से वो इंटरेस्टिंग भी हो जाता था। और एंड क्योंकि फ्राइडे फिल्म कॉमेडी फिल्म है तो हर सीन उतना ही हंसी मजाक वाला था। तो चलिए एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है फिल्म की शूटिंग को लेकर के। हाँ जी, वहाँ जो आर्टिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि बोर हो जाते हैं, बहुत रिटेक होते हैं, बार बार परेशान होते हैं, बैठे रहते हैं, चार चार घंटे तक एक सीन चलता रहता है, तो ऐसा भी आपके साथ हुआ जो आप भी बोर हो गए हो या रिटेक ज़्यादा हुए हों? सो फिल्म मेकिंग प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो क्राफ्ट को समझते हैं। जिसको क्राफ्ट समझ में आता है उसको फिल्म मेकिंग बोरिंग नहीं लग सकती। मेरा एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, क्योंकि मैंने आपको बताया जब हम थिएटर करते हैं तो स्टेज पे रहने के अलावा जब मैं स्टेज पे नहीं हूँ तो मुझे बाकी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या प्रॉप्स यूज़ किए जा रहे हैं, किसको क्या मदद करनी है बैक स्टेज से। सो ऑटोमेटिकली बींग अ थिएटर आर्टिस्ट, हम लोग मोर देन एक्टिंग, व्हेन वी आर नॉट एक्टिंग तो भी हमारा ध्यान जो है पूरी की पूरी क्राफ्ट में लगा हुआ रहता है। तो बाकी लोगों को लगती होगी, जहाँ तक मुझे पता है मुझे क्राफ्ट पसंद है, तो मुझे कभी भी शूटिंग का कोई भी एक सेकंड भी बोरिंग नहीं लगा। चलिए, फिल्म में सबसे अच्छा सीन आपका जो पार्ट है, सबसे अच्छा सीन क्या है आपकी नज़र में उसका? So, जो आपके शूट में है, आपके पार्ट में? मेरा एक्चुअली पूरा सीन ही बहुत इंटरेस्टिंग है जितना भी हमने किया है, क्योंकि मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती फिल्म के आने से पहले, बिकॉज जी, बट मेरे हिसाब से उसके सारे सीन बहुत अमेजिंग हैं। जो स्पेशली जो कोई ऐसा डायलॉग जो आपको बहुत अच्छा लगा उस फिल्म में? नहीं, हमने सजेस्ट किया था क्योंकि इसमें गोविंदा जी को लाइनें खाने की आदत है, थिएटर आर्टिस्ट वो अपने सारे को एक्टर्स की लाइन्स खा जाते हैं, तो वहाँ पर एक सीन था जहाँ पे ये था कि मैं तुमको कुछ उठा के फेंक के मारूंगा, वो किसी को कहते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं आप ना ऐसा बोलिए कि अनारकली उठा के फेंक के मारूंगा। तो मुझे याद है कि जब मैंने ये बोला था, क्योंकि अनारकली मैं बनी हूँ, तो एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग, क्योंकि बट गोविंदा जी फाइनली नहीं माने इस सीन को करने के लिए। जी, तो ये सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी रही, शुभकामनाएं, आगे भी ऐसे आपका सफर जारी रहे। थैंक यू सो मच।